अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एनपीके। आज मैं अपने बाइक का एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमेशा मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मोबाइल से, आज मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते एक वीडियो बनाई जाए। और इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस और उसके अलावा इसकी प्राइस, ये मैं आपको इतना बताऊँगा जब मैं वीडियो बनाऊँगा इसकी मोबाइल से। अभी हम ज़रा इसकी पिकअप और इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। अब ये सामने जो बाइक है ये है कज़न का, अगर इस बाइक की पिकअप की बात की जाए तो पिकअप में तो बहुत ज़बरदस्त बाइक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि इस बाइक का रिव्यू अभी तक आपने नहीं किया, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसका रिव्यू ही करने। तो सिनेमैटिक शॉट्स और बाकी चीज़ें मैं वहीं जाके लूँगा। अभी एक छोटी सी वीडियो है, मैंने अभी माइक नहीं लगाया होगा तो आपको जो आवाज है वो शायद मेरी काफी कम आ रही हो। वैसे अगर इसकी ब्रेकिंग की बात की जाए तो बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। पिछली डिस्क का मसला है क्योंकि पिछली डिस्क की सीट छोटी है और डिस्क की क्वालिटी भी इतनी भी खास नहीं है। आगे से पेट्रोल डलवाने चलो फिर। अच्छा तो हम बात कर रहे थे इसकी ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग में इसकी जो पिछली डिस्क है उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है और अभी ये बाइक तकरीबन 4100 चला हुआ है, 4118 4859 चला हुआ। और इसको डिस्प्ले डिस्क जो है जो मैंने चेक करवाई थी तो वो कह रहे थे कि डिस्प्ले चेंज होगी और डिस्क पैड की अगले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिछले का मसला आ गया अभी, इसलिए जब ब्रेक मारो तो उसकी आवाज़ भी आती है, तो ये मसला है अभी इसके अंदर। अच्छा जो लोग 125 और उसके अलावा 70 से उसके ऊपर आएंगे ना, सबसे पहले उनका मसला होगा कि टर्निंग रेडियस। इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी छोटा है और आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अरे मुझे खुद कभी कभी मुझे खुद बड़ा मसला हुआ था। अभी हम जरा पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, पेट्रोल लगवाना है GTO में, ज़रा पेट्रोल लगवाना है, मेरे बाइक में तो है। नहीं मैं तो नहीं लगाना। अच्छा तो आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ, ये है इस बाइक का किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट, उसके अलावा डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर लेफ्ट राइट ऑन। बाकी ये इसका मीटर है,
जब मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको सही प्रॉपर वाजे नजर आएगा। हो गया, पेट्रोल डलवा लिया। चलो जी, पेट्रोल की रिफिलिंग हो गई है, अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो। वैसे भी मैं ब्लॉगिंग जो है ये एक मोटो ब्लॉग है और फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या बोलूँ वीडियो में। बहरहाल इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं इसे ब्लॉगिंग प्रॉपर स्टार्ट करूँगा तो बोलना भी आ जाएगा कि इसको क्या बोलना है। इस टाइम जब बंदा बाहर निकलता है तो ट्रैफिक तो बहुत होती है, ट्रैफिक है अपने मसले। अच्छा, अगर इस बाइक के क्लच की बात की जाए तो क्लच सॉफ्ट है और फील नहीं होता आपको कि आप कोई बड़ा बाइक चला रहे हो, इसका क्लच सॉफ्ट है बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो बाइक के जो गियर्स हैं वो फिर अड़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी मुझे ये मसला तो होता है, कई बार हुआ भी है। अभी हमारी डेस्टिनेशन है पात्मा जहाँ टाउन। जब भी हमारे पास कोई बाइक अपना होता है तो उसको हम यहीं लेके जाते हैं। हम एंटर हो गए फातमा जहाँ टाउन के अंदर। यही एक प्लेस है अभी तक मेरे घर के करीब जो इस यहाँ पर बड़ा सुकून होता है, आराम से आप बाइक भगा भी सकते हो, ट्रैफिक भी इधर से आने का कोई खतरा नहीं है। ये जो आपको पी नजर आ रही है ये इसके साथ ओरिजिनल नहीं है। जब मैंने ये बाइक लिया था ना तो यूज में लिया मैंने ये बाइक, तो जो इससे पहले ऑनर था उसने ये इंस्टॉल करवाया हुआ था इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम। अगर बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इसकी मैंने टेस्ट की है और 35 किलोमीटर पर लीटर, और वह भी मतलब 100 की स्पीड में इसमें एवरेज की है। और अगर मैं इसको एवरेज बना के चलाऊँ इस बाइक को फिर तो ये ज़्यादा अच्छी एवरेज देगा, मतलब अगर इसको 60-70 की स्पीड में चलाऊँ तो फिर अच्छी एवरेज देगा ये।
अच्छा तो ये इस बाइक की की है, उसके अलावा जो रिमोट सिस्टम है ये इसका ओरिजिनल नहीं है, ये जब मैंने बाइक लिया था तब इसके साथ इंस्टॉल हुआ हुआ था। और प्राइस की अगर बात की जाए तो 1400-1500 रुपये का आपको मिल जाएगा तकरीबन। इसका मीटर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो इसके मीटर की आप लाइट भी चेंज कर सकते हैं, एक मिनट, ये इसके अंदर ब्लू और ऑरेंज लाइट आती है। उसके अलावा ये इसका स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, ये ऑडोमीटर इसका, उसके अलावा जो ये वाला बटन है इससे इसका ट्रिप मीटर, यहाँ पर इसके अंदर आपको गियर्स का पता लगेगा, ठीक है। और ये इसका टाइम है, बाकी ये आरपीएम मीटर, उसके अलावा न्यूट्रल की लाइट है। और उसके बाद असेंबलीज का तो मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, एक चीज़ नहीं बताई थी कि ये जो है ना ये पोर्ट है चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट है, इसके अंदर आप यूएसबी लगा कर अपने मोबाइल में लगा दें तो चार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल। इसके बाद अगर फ्रंट पर आ जाएं बाइक के तो ये इसका वाइज़र है। उसके अलावा ये बाइक की हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये इसकी DRLs हैं, ऑन करके दिखाता हूँ, ये इस बाइक की DRLs हैं। उसके अलावा इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर्स इसके जेन्युइन नहीं है, इसके जो जेन्युइन है वो सिंपल इंडिकेटर्स हैं, इसमें ये इंस्टॉल करवाए हुए थे और ये भी मैंने नहीं करवाए थे, ये पहले से इंस्टॉल थे इसके अंदर। इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो तकरीबन ये भी 1200 रुपए की, 1000-1200 रुपए तक के ये भी इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद जो इसकी हेडलाइट के अंदर ये जो आपको प्रोजेक्शन बल्ब नज़र आ रहा है इसके अंदर प्रोजेक्टर है वाइट। फ्रंट शॉक्स की अगर बात की जाए तो बाइक के अंदर जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 90x90 17 का फ्रंट टायर है, 17 इंच के बाइक के अलॉयज़ हैं और फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्प्ले अवेलेबल है। और उसके बाद अगर बाइक के टैंक की बात की जाए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 14 लीटर्स का टैंक है, ठीक है। अच्छा ये जो यामा इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखवाया, ये जब मैंने बाइक लिया था तो पहले से लिखा हुआ था और मुझे भी उस वक्त थोड़ा सा अजीब लगा था कि यार अगर आपने इंस्टॉल करवाना ही था तो ज़िमको हटा देते, ज़िमको भी लिखा हुआ है, यामा भी लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 45 तक टेस्टेड, मैंने टेस्ट नहीं की लेकिन टेस्टेड है, मैंने वीडियो देखी थी, और जो मैंने टेस्ट की है पर्सनली वो 35-38 के दरमियान इसने एवरेज दिया मुझे, और वो भी 80 से 100 की स्पीड के दरमियान। और उसके बाद अगर बाइक की सीट की बात की जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, पिलियन के लिए भी राइडर के लिए भी। इसकी मैं आपको सीट खोल के दिखाता हूँ, इसकी अगर बाइक के टैंक की बात की जाए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 14 लीटर का टैंक है, और ये जो आपको यामा नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये मैंने नहीं लगवाया था, जिसके पास पहले था बाइक ये उसने लगवाया था। इसके अलावा अगर इस बाइक की एवरेज की बात की जाए तो पर्सनली मैंने इसके अंदर 35 से 38 के दरमियान एवरेज टेस्ट कर ली है, और वो भी 80+ स्पीड पर, कभी कभी मैं इसको 100+ ले जाता था और वैसे नॉर्मली 80+ तक रखता था मैं इसको, और उस पर मुझे इस बाइक ने 35 मिनिमम भी 35 तक एवरेज दिया इसने। उसके अलावा अगर बाइक की सीट की बात की जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। इसकी सीट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बाइक की जो सीट है इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका टूल बॉक्स मिलेगा और ये है इसकी रेडिएटर बॉटल, ठीक है। अब अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक सिंगल स्टैंडर्ड और लिक्विड कूल इंजन है इस बाइक का। इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शेफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका बैलेंसर शेफ्ट। तो यहाँ पर जो इसका ये NBF लिखा हुआ है ये इसका बैलेंसर शेफ्ट है इस बाइक के अंदर। और गियर शिफ्ट पैटर्न आप इसका देख सकते हैं, ये इसका गियर शिफ्ट पैटर्न है, पहला गियर आगे और बाकी 5 गियर बाइक के पीछे की तरफ लगेंगे, रिटर्न शिफ्ट है बाइक के अंदर। अगर इस बाइक की हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो तकरीबन 17 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है और 17 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक की है। टॉप स्पीड मैंने अभी तक इसकी टेस्ट की है 120 तक मैंने इसको भगाया, ज़्यादा नहीं भगाया। उसके अलावा जो मैंने वीडियोज़ में देखी है इसकी टॉप स्पीड वो है तकरीबन 140+ 135+ है तकरीबन।
और अगर इस बाइक की कंफर्ट की बात की जाए तो इंजन में वाइब्रेशंस तो है नहीं क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट है, वाइब्रेशंस हैं लेकिन आपको फील होती हैं 60 के बाद कुछ कुछ थोड़ी बहुत ही, और 100 पे ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबली चला जाता है और 100 पे बहुत कंफर्टेबल रहता है ये बाइक। और अगर आप फॉर एग्जांपल छोटे बाइक्स जैसे कि YBZ और YBR इन बाइक्स को जब आप 100 पे लेके जाते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने लग जाते हैं बाइक क्योंकि हवा के प्रेशर की वजह से, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है क्योंकि इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी लगाई गई है और वेट इसका है 150 kg, इस वजह से बाइक स्टेबल रहता है काफ़ी। अब अगर इस बाइक के फुट रेस्ट की बात की जाए तो दोनों इसके रिट्रैक्टेबल हैं। उसके बाद बाइक के अंदर आपको हाफ चेन कवर मिल जाएगा और इसके अंदर एक मोनोशॉक है। और अगर इसके टायर की बात की जाए तो बैक पर जो इसका टायर है वो 120x80 का टायर है, 17 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज है। और उसके अलावा अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो बैक पर एक डिस्क ब्रेक है, सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है इस बाइक के अंदर। और उसके साथ अगर बैक लाइट की बात कर लीजिए तो इसकी बैक लाइट के अंदर आपको LEDs मिलेंगी, LED बैक लाइट्स हैं, बैक इंडिकेटर्स आपने देख लिए थे, और जो इसका बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। उसके बाद अगर बाइक के साइलेंसर की बात की जाए तो इस बाइक का जो साइलेंसर है वो एक साइलेंट साइलेंसर इस बाइक के अंदर इंस्टॉल किया गया है और ये इसका जेन्युइन है, अभी मैंने चेंज करवाना है इसका साइलेंसर। इसका चौथा गियर गया है तकरीबन 100 से ऊपर जाता है वैसे, लेकिन 100 तक तो गया है। बस अब चलते हैं इसमें स्लो स्लो, बाकी जो बातें अब रह गई थी अब बाकी बातें इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मीटर इसका दिखा दिया है, इसके असेंबलीज वगैरह सब कुछ हो गए। कंफर्ट की बात करते हैं, अभी जो मैं 100 पे गया हूँ चौथे गियर में, वाइब्रेशन बहुत कम हुई है, हुई हैं लेकिन बहुत कम, हैंडल पे मुझे वाइब्रेशन फील हुई है और सीट इसकी सीट पे बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं हुई। वैसे भी बहुत कंफर्टेबल सीट है और सीट पे वाइब्रेशन फील नहीं हुई, और जो वाइब्रेशन हुई हैं वो इस पर हुई हैं हैंडल्स पर। इसके अलावा इस बाइक की अब अगर प्राइस की बात कर लीजिए पुलिस वाले जो रोक रहे, अच्छा तो बात इसकी प्राइस की हो रही थी, तो इस बाइक की आपको जो न्यू की प्राइस मिलेगी वो है 3,25,000 रुपये। अभी इसकी प्राइस बड़ी नहीं है, 3,25,000 रुपये इस बाइक की न्यू की प्राइस है। और आपने देखा होगा कि रैपिड मोटर्स पे भी ये बाइक अवेलेबल है, वो है इसका दूसरा वेरिएंट, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 4,15,000 रुपये, पहले 4,25,000 थी, अब उन्होंने कम करके 4,15,000 रुपये कर दी इसकी प्राइस। और उसमें और इसमें फ़र्क की अगर बात की जाए तो वो इससे डेफिनेटली काफ़ी दर्जे बेहतर है। वो क्यों? क्योंकि एक तो उसकी आपको पिकअप अच्छी मिलेगी, इससे इस बाइक से ज़्यादा अच्छी पिकअप है उसकी, इस बाइक की स्पीड भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा पेट्रोल एवरेज का मुझे पता नहीं, लेकिन कंफर्ट वाइज वो ज़्यादा अच्छा है। गियर बॉक्स इस बाइक का थोड़ा सख्त है, उसका ज़्यादा स्मूथ है, इससे काफ़ी स्मूथ है। ये चेंजेज है उसके अंदर। और उसके अलावा कंफर्ट की बात हो गई, ब्रेकिंग की अगर बात करें ये मंगाया था ना, गर्म ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और ब्रेकिंग के अलावा अगर बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो आप थोड़ा सा आगे झुक के बैठे हुए होते हैं बाइक के अंदर,
झुक के बैठे हुए होते हैं, इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टूर करेंगे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 to 3 hours की राइड होगी आपकी अगर, तो आपको कंधों में दर्द पड़ जाएगा, यहाँ पर इधर कलाइयों में भी दर्द पड़ सकता है, कंधों में भी दर्द पड़ जाएगा और कमर का भी दर्द हो जाता है। और इसके अलावा अगर ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है, ये वाली, ये जब आप आगे फुल खींचते हैं ना, तो फिर ये वाली लाइट ब्लिंक करती है इसकी, और ये लाइट होती है इसकी इंडिकेशन लाइट कि अब हम गियर चेंज करें। ये जो रेड लाइन है ना, यहाँ से यहाँ पर जब आप ये RPM ये रेड लाइन क्रॉस करेगा, उसके बाद ये गियर चेंज करना होता है। बाकी अगर इस बाइक की वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, मेरे ख्याल में तो आजकल की जिस तरह की महंगाई है और काफ़ी महंगी है हर चीज़, ये बाइक भी पहले 2,45,000 रुपये का था और अब इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस अब रिवाइज कर दी गई है और 2,45,000 से ये 2,75,000 का हुआ था। 2,75,000 रुपये से अब जो इस बाइक की न्यू प्राइस है वो है तकरीबन 3,25,000 रुपये, और अभी तक और नहीं बढ़ी, अल्लाह करे ना बढ़े। और हर कोई कह रहे हैं कि डॉलर स्टेबल नहीं है, इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। डॉलर स्टेबल है, मैं रोज़ चेक करता हूँ, और डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा भी तो 155 तक चला जाता है, बाकी 153 का जाता है, 3 तक आ जाता है अगर नीचे आ जाए तो। इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा आजकल में। डॉलर तो तकरीबन स्टेबल है, बाकी अब पता नहीं कि क्यों इसकी इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं। और इसके अलावा पिकअप तो बहुत ज़बरदस्त है। चौथे गियर में मैं इसको 100 तक लेके गया था, आगे जैसे कि आपने देखा कि वो मेहरान तो कुछ पता नहीं लग रहा था, वो इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, तो मैंने ब्रेक लगा ली। और अब वैसे घर जा रहे हैं हम, ये है फातिमा जिना टाउन, ये आपको मैंने भी पूरा दिखाया। और बाकी वो जो दो मेरे साथ थे कावासाकी GT 110 पर, वो भी मेरे कजन्स हैं, एक फैजान है और एक नुमान। नुमान का अपना चैनल है कावासाकी GT 125 के, वो वीडियोस बनाता है, आजकल नहीं बना रहा, उम्मीद है बनाएगा कुछ दिन तक। उसका चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाइक मैंने को भी सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, लेकिन आज कह रहा हूँ, याद आ गया। बाकी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरह की मैं ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, क्योंकि इस बार मैं हमेशा करता था वॉइस रिकॉर्डिंग घर बैठकर, इस बार मैंने लाइव रिकॉर्डिंग किया और सब कुछ लाइव बोला है। इस वीडियो में जो आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, इसमें मैंने ओवरऑल लाइव बोला है, और फर्स्ट टाइम मैंने बोला है, तो गलतियां तो हो सकता है काफ़ी हों, काफ़ी गलतियां मैंने की हों, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ गलतियाँ भी ठीक हो जाएंगी। और प्राइस का मैंने आपको बता दिया, बाकी इस बाइक के आप जैसे मैंने आपको बताया था टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी कम है, 370 और 125 से जो इस बाइक पर आते हैं, क्योंकि मेरा बाइक जो फर्स्ट था वो था 370, मैं 370 से इस बाइक के ऊपर आया। शुरू में मुझे कुछ मसला हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन कभी कभी मसला हो जाता है, जैसे जब छोटे कट्स होते हैं तो वहाँ आपको मसला होता है इसके अंदर। और इसके अलावा ये आपको फुल ट्रेस टेस्ट भी इसकी मिल गई, साउंड टेस्ट, ओवरऑल बाइक में बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।